एक बहुत ही अहम सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, वो ये है कि कितने लोग प्रयास करते हैं बच्चा करने के लेकिन नहीं कर पाते हैं, डिले हो जाता है किसी कारणवश, बट द फीमेल जो है, महिलाएं जो हैं वो मेनोपॉजिंग में चली जाती हैं, सो या फिर ख़त्म हो जाते हैं उनके पीरियड्स आने, तो उसके बाद भी आप क्या बच्चा पैदा कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? और क्या आपके, व्हाट इज़ द प्रोसेस? बिल्कुल ईजी है, बिकॉज IVF की हेल्प से ऐसे फीमेल्स जिनके पीरियड्स बंद हो गए, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं, तो प्रेगनेंसी होना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि डेफिनेटली उसमें ये कि एग तो नहीं बनेंगे उनके, लेकिन डोनर एग का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है ऐसे पेशेंट्स में. तो डोनर एग की मदद से हम हस्बैंड के स्पर्म लेकर, एग डोनर के एग्स लेकर, एम्ब्रियो बना के उनके यूट्रस में हम इम्प्लांट कर सकते हैं, और डेफिनेटली उनको इस टेक्निक से फ़ायदा मिल सकता है, जो कि बहुत सारे कपल्स जो हैं इससे बहुत बेनिफिट करते हैं, जो लेटर जैसे मोर देन 40 ईयर्स एज हो गया और आजकल मेनोपॉज भी जल्दी होने लगा है, ओवर द टाइम्स हैव चेंज्ड, तो उसमें ऐसे कपल्स को एग डोनेशन की मदद से ये फ़ायदा हो सकता है, एंड दे कैन गेट इजीली गेट प्रेग्नेंट अगर यूट्रस. तो अगर आप भी इनफर्टिलिटी या फिर निसंतानता की प्रोसेस या इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं नीलकंठ IVF के डायरेक्टर्स और फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स से. अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में.